ऐसे लोगों का भी जॉब कार्ड बना लिया है जिसका जो लोग अभी इस दुनिया में आए भी नहीं है। देखिए मोदी जी वो जो है देश के प्रधानमंत्री है, वो ही सीम्स टू बी मोर सेल्समैन देन प्राइम मिनिस्टर। वो सेल्समैन ज़्यादा लगते हैं, प्राइम मिनिस्टर कम लगते हैं। और इस तरह के बात जो है एक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। वो देश का प्रधानमंत्री है, उनके पास ईडी सीबीआई आईटी है, उसके बाद जो है सारे फोर्स उसी के पास है। कोई अगर ऐसा करता है तो उसके नाम से कंप्लेंट करके उनको ईडी दे करके सीबीआई दे करके अरेस्ट करे ना, कौन मना किया है। आप फिराद हकीम के घर में, हमारा ऑनरेबल एमआईसी अभिषेक बनर्जी के घर में कम से कम 100 बार जो है ईडी जा सकता है, और जो फेक जो आधार कार्ड बना था उसके घर क्यों नहीं जा पाता है। इसका मतलब फेक आधार कार्ड नहीं होता है, वो पा नहीं रहा है। और जब भी इलेक्शन आता है इस तरह का जो है बोल के लोगों को गुमराह करता है, और मोदी को मीडिया को कैप्चर कर लिया है। और आज के डेट में उनको एक बात का होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि जब हमारे माननीय ममता बनर्जी जब एमजी एनर्जी के पैसा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त जो है दिल्ली में हम लोग धरना में बैठे थे, कहाँ गांधी स्मृति में। गांधी स्मृति कहाँ है? जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ एमजी एनर्जी महात्मा गांधी के नाम से वो स्कीम हुआ है, और उस स्कीम के होने की वजह से वहीं जाके बैठे थे। वहाँ लाठीचार्ज होता है क्या? क्या पुलिस धक्का मार के निकाल देता है क्या? मिनिस्टर लोगों को धक्का मार के निकाला, मिनिस्टर लोगों पर लाठीचार्ज किया था। वही सिर्फ नहीं, उसके बाद जंतर मंतर में गए, वहाँ भी जो है मिनिस्टर हाफ मिनिस्टर जो साध्वी जी थे, एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो हम भी रहे हैं, लेकिन तब भी हम लोग मिलने की ख्वाहिश किए। 40 मिनिस्टर एमपी गए, मिली नहीं। उसके बाद हमारे अभिषेक बनर्जी को और उनके पूरे टीम को, ऑल मिनिस्टर्स को, ऑल एमपीज को डिटेन कर लिया गया। मुखर्जी नगर हम लोग गए, वहाँ से छुड़वा करके लेके आए, गवर्नर हाउस में हम लोग 5 दिन तक धरना दिए। और धरना ऐसी धरना नहीं, हजारों आदमी जो है धरना में बैठे हुए थे। उसके बाद जो है हमारे मुख्यमंत्री हमारे इसके सामने क्या कहते हैं अंबेडकर सेतु के सामने हम लोग धरना दिए। वहाँ जो है इस बात का उम्मीद दिलाया कि आप हमसे मिलिए, हमारे मुख्यमंत्री पूरा टीम को लेकर गई। जाने के बाद भी जो है वो एक पैसा नहीं दिया। 356 तो टीम जो है यहाँ 49 मरतबा इंक्वायरी किया है, यहाँ भेज दिया, एक एक पंचायत में 50 बार जो है इंक्वायरी किया। 50 बार इंक्वायरी करने के बाद भी, 50 बार इंक्वायरी करने के बाद भी ये इंक्वायरी टीम जाकर के बोला कि ये गरीब लोगों की पैसा है, गरीब का आधार जो है, गरीब का जॉब कार्ड जो है, गरीब लोग जो है माटी खोदे हैं, और जो है पैसा इनका पौना होता है, पैसा दीजिए। वो टीम जाके भी बोला, गवर्नर साहब जो खुद जाके बोला कि दियर डिमांड इज क्वाइट लेजिटिमेट, दे शुड बी पेड, लेकिन पेमेंट किया क्या? नहीं किया। उसके बाद जो है फिर रेड रोड में हम लोग बैठे। रेड रोड में बैठने के बाद हमारे मुख्यमंत्री कितने दयालु मुख्यमंत्री है, कितने मानविक मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री जो है आज एमजी एनर्जी का पैसा 27 लाख परिवार को जो है दे दिया, जिसकी वजह से आज जो है वो बोली थी 29 तारीख को पैसा घुस जाएगा, सबके अकाउंट में पैसा घुस गया है। नंबर 1 नंबर 2 कितना? 7500 करोड़ शायद, इससे भी कम होगा, लेकिन 4888 करोड़ अपने फेक एडवर्टीजमेंट, फेक डेवलपमेंट पर जो है एडवर्टीजमेंट कर रहा है। अरे फिएट यहाँ से उठ के चले गया, डेटसन उठ के चले गया, फोर्ड इसको चले गया, जितने भी अच्छे अच्छे कंपनी सब भाग रहे हैं। हमारा कहना है, वो बोल रहे थे रुपया क्यों गिर रहा है, मोदी जी मनमोहन सिंह के ज़माने में बोल रहा था, आज सबसे ज़्यादा रुपया गिरा है। बांग्लादेश का करेंसी क्यों नहीं गिर रहा है, नेपाल का करेंसी क्यों नहीं गिर रहा है? उनको ये एक प्रधानमंत्री होने के नाते इसका होश हवास होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।